सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू इंडिया न्यूज़ च सब दा स्वागत है। मैं हर्षदीप सिंह शुरुआत करदे आं हेडलाइंस दे नाल। भाजपा ने घेरी कैप्टन सरकार ते कांग्रेस पार्टी मंगिया राहत पैकेज, कोरोना उपर सियासत करन दे लगाए दोष। पंजाब दे इंडस्ट्री मिनिस्टर दा दावा, हदायतों की पालना करने वाले सारे कारखानों नूं चलाउण दे दित्ते हन हुकम, पंजाब च जल्दी आवेगा निवेश। आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने अकाली दल उत्ते किसानी मसलियां तों भज्जण दे लगाए दोष, कहा हरसिमरत बादल फूड प्रोसैसिंग मंत्री पंजाब च नहीं लियाई एक भी कारखाना। हुण जाणदे खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब दे विचों लेबर का वापस जाना इंडस्ट्री के नाल नाल किसानां लई भी एक वड्डी सिरदर्दी बनिया होया है, क्योंकि झोने की लवाई शुरू होने जा रही है ते जिस लई हर साल वड्डी गिणती च प्रवासी मजदूर काम करते हैं। लुधियाणा तो विधायक सिमरजीत बैंस ने मंग की है कि पंजाब सरकार केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नाल गल करके लेबर पंजाब लियाउण दा प्रबंध करे। पंजाब विच डॉक्टरां वल्लों मास्क ना मिलण कारण रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बैंस ने इस नूं सरकार की नलायकी का नाँ दिता है। हुण जिहड़ी लेबर आ जिहड़ी झोना लाउंदी आ हर साल पंजाब ते हरियाणा सूबे दे विच आ के, इह बिहार ते बंगाल दो स्टेटां दे विचों, मैं इक चिट्ठी मुख्यमंत्री पंजाब नूं लिखी आ ते इहदी कापी हरियाणा दे मुख्यमंत्री ते देश दे खेतीबाड़ी मंत्री नूं भेजी आ। इह लेबर आउंदी आ बिहार दे जिला पूर्णिया, समस्तीपुर, कठियार, मतलब 9-10 जिले बन जांदे आ, ते बंगाल दे मुस्तफाबाद, रायगंज, 4-5 जिले बंगाल दे हैगे आ। बहुत सारे किसान साड़ी पार्टी नाल जुड़े हुए साढ़े सत्कारयोग आगू साहबान, उन्होंने जिहड़े बिहार ते बंगाल दे विच हर साल झोने की बिजाई करने वास्ते लेबर आउंदी आ, उन्हां लेबरां दे जिहड़े ठेकेदार हैगे, मुखिया हैगे, उन्हां दे नाल गल कीती, उह तैयार बैठे आ सारे। जे सूबे दे मुख्यमंत्री और हरियाणा दे मुख्यमंत्री ते देश दे खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल इह मसला टेकअप करन, तो मेरा ख्याल उन्होंने समय सिर लिया के उन्होंने टेस्ट वगैरह सारा कुछ उन्होंने करन तो बाद उन्होंने परमिशन दे के अपनी स्टेटा पंजाब और हरियाणा के लिया के उन्होंने टेस्ट करन तो बाद जिहड़े लोग तंदुरुस्त आ उन्होंने खेतों के झोना किसान के उत्ते बहुत वड्डी आफत आ, विपता हैगी, लोगों के उत्ते मौत का साया, लोग मर रहे हैं, तो बेईमान लूट माफिया इस त्रासदी दे विच भी अपनी जेब ते घर कोठा भरन वास्ते तैयार है। वो पिछे नहीं हटिया, जिवें पिछले दिन आप ट्रांसपोर्ट माफिया जुझार बस सर्विस शरेआम 650 रुपया किराया ते 3300 रुपया, कोई पुछण वाला नहीं गा। हलका भुलथ तो विधायक सुखपाल खहरा वल्लों गोलियां नाल भुन्ने गए कबड्डी खिडारी अरविंदरजीत सिंह भलवान के परिवार को इंसाफ दवाउण नूं लैके मैं भी हाँ अरविंदर पलवान नां दी मुहिम शुरू करन दी अपील की गई। जलंधर विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं खहरा ने कहा कि जेकर पंजाब पुलिस मैं भी हाँ हरजीत सिंह नां दी मुहिम चला के इंसाफ दवा सकती है तो मेरे विश्वास च बैठे सारे कबड्डी खिडारियों समेत पंजाबियों नूं अपील है कि असी सारे मैं हाँ अरविंदर पलवान मुहिम चलाईए अते कैप्टन सरकार दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचा के इस परिवार नूं इंसाफ दवाईए। मैं भी हाँ अरविंदर पलवान, इस कबड्डी खिडारी का पिछले दिन एक पुलिस वाले ने गोलियां मार के कतल करता, इसका साथी प्रदीप सिंह उस बुरी तरह जख्मी कर दिता, तो जो किसी पुलिस वाले पर हमला होंदा जिदा हर एस आई हरजीत सिंह उसका हाथ वड्या गया, निहंग फड़ के अंदर दे दिते, औरतां चक लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, 50 लाख रुपया हरजाना दिता, उसके सपुत्र सरकारी नौकरी दी, उस एस आई तो सब इंस्पैक्टर प्रमोट करता। अरविंदर पलवान तो प्रदीप भी किसी के बच्चे ने, बच्चे सी, इसलिए मेरी सारे विश्व च बैठे कबड्डी दे वेल विशर्स इंसाफ पसंद पंजाबियों नूं अपील आ कि आओ आप एक मुहिम चलाइए। मैं भी हाँ अरविंदर पलवान और अरविंदर ते प्रदीप वास्ते 1-1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन, तो उन्होंने परिवारों वास्ते 1 सरकारी नौकरी ताकि उन्होंने भी ढारस मिल सके। कैप्टन साहब नूं मेरी बेनती है कि जे तुसीं एस आई हरजीत नाल टेलीफोन ते फेस टाइम करके उन्हां नाल अफसोस कर सकते हो, कोहली साहब के परिवार नाल अफसोस कर सकते हो, तो मैं समझदा वा कि तुहानू लखन के पट्टे दे इन्हां दोनों खिडारियों के परिवारों नाल अफसोस करना चाहिए और इन्हां नू बनदा मुआवजा ते नौकरी देनी चाहिए आ। मैं भी हाँ अरविंदर पलवान, अपने अपने व्हाट्सएप ते सोशल मीडिया ते फेसबुक ते आओ एक मुहिम चलाइए।
पंजाब अंदर सरकारी गैर सरकारी कॉलेजा यूनिवर्सिटियां वालों नियम कानून दियां धज्जियां उड़ा के फीस वसूली जा रही है। इस आप हुदरी का सख्त नोटिस लेंदिया आम आदमी पार्टी पंजाब ने डॉक्टरी सिक्ख्या खोज मंत्री दे नाल नाल पूरी कैप्टन सरकार नूं घेरिया है। पार्टी के सीनियर आगू ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा ने दोष लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बाकी लोटू माफिया वांगू मैडिकल एजुकेशन माफिया अगे पूरी तरह गोडे टेक दिते ने। पंजाब अंदर जिथे होर बहुत सारे माफिए चल रहे हैं उत्थे मैं समझदा एक मैडिकल जिहड़ा हायर मैडिकल एजुकेशन का एक माफिया बहुत वड्डी पद्धर ते पंजाब चल रहा है। एम डी च दाखले लैके एम एस दाखले लैके लोगों को करोड़ों लखा रुपए अपने बच्चों के खर्चने पै रहे हैं। कि एक पासे सरकारी फीस कोई होर आ, प्राइवेट कॉलेजों की कोई फीस होर आ, सारे कॉलेजों के अलग अलग फीसा रखी हुई ने। पंजाब सरकार ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई कि फीसा किमें लैनिया नहीं है, एक सार फीसा कितने नहीं कीतिया हुई। अज मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब को लिखा गया कि पंजाब के जी हायर मैडिकल एजुकेशन आ जी एम डी क्लासा एम एस द्लासा जिस बच्चे मैं समझता बहुत पढ़ाई करके दाखले लेंगे ने गे और उत्थे जो करोड़ों रुपये फीसा दे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं गे। सो उन फीसा जड़िया ने एक सार कीतिया जान और जो हायर मैडिकल एजुकेशन एक माफिया गा उन्हों पंजाब चो खत्म किया जाए। क्योंकि तुसी देखो जेकर होनहार बच्चे ने गे जिहड़े अच्छे बच्चे ने जिहड़े होनहार बच्चे ने गे वो इन फीसा कितों देणगे, करोड़ों रुपये दी फीसा नेगियां। सो मैं बेनती करदा कैप्टन साहब नूं कि इस माफी नूं नत्त पाई जाए और एक एम एल ए साहबान की खास तौर पर पंजाब विधानसभा के जिहड़े मैंबर ने गे एम एल ए साहबान ने उन्हां दी एक हाई पावर कमेटी बना के इस जिहड़ा हैगा माफिया राज आ इहनूं खत्म किया जाए। इस तरह लग रहा कि पंजाब विच सरकार नहीं कोई लटेरा राज प्रबंध चल रहा और कैप्टन साहब की सरकार कितने दिखाई दे रही, जिथे मर्जी देख लो हर एक जगह पर जोड़ा है वो माफिया राज ही कम कर रहा है। पंजाब भाजपा के सबका प्रधान श्वेत मलिक ने दोष लगाया कि कांग्रेस पार्टी करोना उपर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनरल सकत्र प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों छड़न लई बसा भेजन की गल कही सी पर मुख्यमंत्री योगी वालों मंग करन तो बाद आटो और मोटरसाइकिल भेज दिए गए। मलिक ने कहा है कि कांग्रेस दसे कि ये उन्होंने बसा हैं। बाहरी कांग्रेस करोना पे भी राजनीति, एक तरफ राहुल गांधी है जो आलू से सोना बनाता है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है जो मोटरसाइकिल और थ्री व्हीलर को बस के रूप में देखती है। प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की थी कि मैं 1000 बस सरकार को देने के लिए तैयार हूँ, श्रमिकों के लिए सरकार इसकी अनुमति दे। यूपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राजनीति से ऊपर उठ के ये जो उनकी घोषणा थी सरकार की, एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, कोई बस नहीं आई। जब योगी आदित्यनाथ जी ने याद कराया तो कुछ थ्री व्हीलर और कुछ मोटरसाइकिल भेज दिए। ये है कांग्रेस कि जो ऐसे भीषण समय में भी राजनीति कर रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि इस समय राजनीति से ऊपर, धर्म से, जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के 133 करोड़ देशवासियों का हित जानते हुए कार्य कर रहे हैं और कोरोना की जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो कोरोना की महामारी के ऊपर प्रहार करने की शक्ति है, उसमें एक विश्व नेता बन के उभरे हैं। और एक तरफ अफसोस ये कांग्रेस है जो आज भी ऐसे भीषण समय में राजनीति से बाज नहीं आ रही। भाजपा आगू विनीत जोशी वालों एक बार मुड़ पंजाब सरकार तो मंग की गई है कि वह पंजाब के किसानों धोबियां अते कटिंग का काम करने वाले लिए आर्थिक पैकेज ऐलाने अते दुकानदारां ते घरेलू बिजली दे बिल मुआफ करे अते बिजनेस अदारियां दे बिल किश्तां विच भरन दी आग्या देवे ते कुछ खेतरां विच इंडस्ट्री दी आर्थिक मदद दित्ती जावे अते उहनां नूं बिलां तों राहत दित्ती जावे। पिछले 60 दिनां तों चले आ रहे लॉकडाउन करफ्यू करके पंजाब दे अंदर लोकां दा जनजीवन जिहड़ा पूरा अस्त व्यस्त हो गया। व्यवसायिक गतिविधि हर तरहां दी बिल्कुल जीरो हो गई है, रुक गई है और उहदे करके लोकां नूं बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजाब के अंदर ना सिर्फ साडे प्रवासी भरा बल्कि पंजाब के पिंडां के अंदर रहिंदे पंजाबी भी भुखमरी करके निराश होकर हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि पंजाब सरकार हुण इस हालात को संभाले और तुरंत कोई पैकेज अनाउंस करे। साडी मंग है कि पंजाब के अंदर जिन्हें भी नाई ने, धोबी ने, जिन्हें भी पंजाब के अंदर इलैक्ट्रीशियन ने, पलंबर ने, मकैनिक ने, मोबाइल रिपेयर करने वाले ने, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने, टैक्सी ड्राइवर ने, कैब ड्राइवर ने, रिक्शा चलाने वाले ने, रेड़ी फड़ी वाले ने, ढाबे वाले ने, ढाबे के काम करने वाले लेबर है या खेतों के अंदर काम करने वाले खेत मजदूर है, इन सारे तुरंत पंजाब सरकार वन टाइम रिलीफ 5000 रुपए की राशि जारी करके तुरंत प्रदान करे।
इन्हें नहीं है पंजाब के अंदर जो किसान ने जोड़े फल फ्रूट की सब्जी की फुलों की खेती करते हैं उन्होंने फल फ्रूट सब्जी मार्केट से नहीं बिक पाए खेतों से बर्बाद हो गए उन्होंने भी सरकार 25,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तुरंत जारी करे। बीते दिन पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पिता की अंतिम अरदास हुई जिथे अहम राजनीतिक शख्सियत ने शिरकत की। पत्रकारों के नाल इस बारे गलबात करदिया अज अकाली आगू बलविंदर भूंदर ने कहा कि गुरदास सिंह बादल लोगों लिए काम करने वाले लीडर सन तो उन्हों का इस दुनिया तो चले जाना बहुत वड्डा घट है जो कदे पूरिया नहीं जा सकता। जिन्हें गुण सन योजे नेक इंसान होने बहुत घट है उन्होंने काबिलियत उन्होंने गुण आपदे साथियों की मदद करना समाज की सारी जिंदगी लगातार सेवा करना और यहा जहा दुनिया से कोई भरा भरा नहीं मिल सकता दोस्तों दोस्त नहीं मिल सकता सारी जिंदगी अकाली दल की बहुत बड़ी सेवा की। सो मैं कह सकता कि जे उन्होंने गुणा बारे कहना हो मेरे हल किताब भी लिखी जा सकती है। सो मेरे नाल कोई बाह नहीं सी मेरे तो बड़े भरावान तरह सन 1977 तो लगातार साथ रहा जिंदगी भर आखिरी दम तक प्यार रहा इस करके सारी जिंदगी उन्होंने गुणा नू देखेंगे यहो जे गुण किसी इंसान हो ही नहीं सकते। सो जे उन्होंने ये कहिए कि दुनिया ते हजा भरा साथियों नू हजा साथी दोस्त और जो वर्कर साथी उन्हों काम करते सन उन्होंने हजा मददगार तो समाज का एडा वा सेवादार बहुत घट लोग है और बड़ी जिंदगी उन्होंने कुरबानी से पार्टी वास्ते जेलां कटनिया हो रहा हर वे पार्टी वास्ते सुबह तो लेकर शाम तक काम करना। पंजाब के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा है कि करफ्यू हटाने तो बाद सेहत विभाग के निर्देशों अनुसार ज़्यादातर इंडस्ट्री चला दी गई है। उन्हें कहा कि इस नाल 5 लाख के करीब लेबर पंजाब रुक गई है। अरोड़ा का दावा है कि व्यापारियों वालों गाइडलाइन पूरिया की जा रही ने तो उन्होंने काम कार भी ठीक चल रहा है। जिहड़े नॉर्म्स पूरे करते उन्होंने परमिशन लैन की लोड़ नहीं गाइडलाइनस आ गई वो अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं हूँ कोई किसी परमिशन लैन की लोड़ नहीं सारिया चीज़ा जड़िया उदों से जदों शुरू शुरू च लॉकडाउन तो इंडस्ट्री खोलन की परमिशन आई सी पर हूँ जिन्या भी इंडस्ट्री जड़िया सारिया नॉर्म्स पूरी कर दी उन्होंने परमिशन लैन की लोड़ नहीं वो अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं और उन्होंने ट्रांसपोर्ट जी कहते असी चालू कर दी है बहुत जी जल्द है ये इंटरस्टेट भी जोड़ा माल आना शुरू हो जाएगा जी इंडस्ट्री है प्रोपर रूप से चल पेगी और उन्होंने तो मैं ये विश्वास दिलाया है कि ट्रांसपोर्ट जी असी शुरू कर दी है आन जान थोड़ा टाइम लगता एक दो दिन के अंदर अंदर जोड़ा इंटरस्टेट भी जोड़ा गुड्स हैगा सारा पहुँचना शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्री मेरे मुताबिक आने वाले समय च कुछ दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक पास असी करोना ना लड़ रहे हैं एक पास साढ़े इंडस्ट्री या आर्थिक पक्ष की गल है ये दोवें नाल नाल चलणगे असी उहदा भी ध्यान रखना है तो अपनी जिहड़ी व्यापार की गति है उन्हू भी तेज़ करना है ये नाल नाल जिद्दा भी परमिशन आएगी। मानयोग मुख्यमंत्री ने बहुत वड्डे फैसले लए ने इंडस्ट्री के लिए जिहड़ा उन्होंने चालू करन दे लई किया हैल्थ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के मुताबिक इंडस्ट्री चल सकती है ता जो पंजाब का जोड़ा रुजगार है वह चल सके मानयोग मुख्यमंत्री ने यदि परमिशन दिती है जोड़ा कि बहुत बड़ा जो हंगारा मिले जी सा बहुत बड़ी गिनती दे जी लेबर ये रुक गई है इंडस्ट्री खुलन करके। श्रोमणी अकाली दल के आगू बंटी रमाणा ने कहा कि पंजाब शराब माफिया बहुत समय तो चलाया जा रहा है सरकारी खजाने की लुट की जा रही थी। उन्हें कहा कि बिल्ली थैले चो बाहर उस समय आई जदों मुख सकत्र लड़ पाए। रमाणा ने कहा कि मुख सकत्र एक काबल अफसर है जिन्हें मंत्रियों को यह कहा कि पॉलिसी कारण रेवेन्यू नहीं घट रहा बल्कि सरकार की सरप्रस्ती हेठ विकती नजायज़ शराब कारण रेवेन्यू घट रहा है। शराब का मालिया जिहड़ा स्टेट नूं इकट्ठा हुंदा है जदों का GST का रिजीम लागू होया सूबियां कोले शराब ते माइनिंग तो अलावा बाकी सारा कुछ GST चला गया तो यह दो वसीले आपदे रह गए जिदे चों आपदी आमदन वधा के जो लोगों नाल वादे किए सी लोगों की सुख सहूलत वास्ते वेलफेयर स्टेट होने के नाते लोगों दियां जिहड़ियां लोगों नूं सहूलतां देनियां सी इहदे विचों मालिया इकट्ठा किया जा सके पर अज मैं थोड़े राही जिहड़ी पिछले 3 सालां च
सियासी सरप्रस्ती हेठ जो लोगों के खजाने की लुट हुई है जिदी मिसाल थोनू शायद हिंदुस्तान के किसी सूबे विच वेखन नू ना मिले, अज मैं उहदा चिट्ठा थोड़े सामने रखना चाहुंदा ताकि थोड़े राही ये लोगों तक पहुँच सके ते लोगों नू पता लगे कि जिहड़ा लोगों का खजाना है अज चंद लोगों दीआं जेबां दे विच किवें पै रिहा। चर्चे बड़े सी कि कांग्रेसी जिहड़े बने आ 10 सालां बाद सत्ता च आए है ते ऐ भुख्यां वांगू खजाने नू पए आ, पैसे नू पए आ, चाहे उह किसे तरहां दी वी लुट होवे, पर जिहड़ी बिल्ली थैल्यों बाहर उदों होई जदों पिछले दिन ही तुसीं वी सारयां ने पढ़िया होणा कि पंजाब दी कैबिनेट दी एक मीटिंग होई जिहदे च एक्साइज पॉलिसी इस साल दी पास करन वास्ते चीफ सैकटरी लैके आए। उत्थे जदों रौला पिया ते मंत्रियां ने कहा कि जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी तुसीं लैके आए हो ये ठीक नहीं है, इहदे नाल रेवेन्यू नहीं आ रहा, मकसद तां उहनां दा आपदा ठेकेदारां उत्ते भा वधाउण दा सी, पर चीफ सैकटरी ने बड़ी दलेरी नाल, मैं उस अफसर नूं भी बधाई दिंदा कि सारी कैबिनेट समुची कैबिनेट दे सामने जुर्रत करके हिम्मत करके ये गल कही कि साड़ी पॉलिसी दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिसी करके रेवेन्यू नहीं घटता, रेवेन्यू घटता तां जिहड़ी सियासी सरप्रस्ती तुसीं शराब दे ठेकेदारां नूं शराब दे समगलरां नूं दो नंबर दा धंधा करन वास्ते दिंदे हो उस कारण शराब का मालिया जिहड़ा खजाने जाना वह घटता जा रहा। आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसायणिक खादा उत्तों सबसिडी घटा दी है जिस नाल यूरिया ते डीएपी महंगी होगी, पर अकाली दल ने इस विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं चुकी क्योंकि वह अपने भाईवालों का साथ दे रहे हैं। जिन्हें कहा कि हरसिमरत कौर बादल कोल फूड प्रोसैसिंग महकमा है पर इस नाल संबंधित एक भी कारखाना पंजाब च नहीं आया। गल उठाउणी तां चाहीदी सी कि उह सुखबीर बादल होरां नूं, पर क्योंकि वह उन्हां दे नाल भाईवाल ने इस करके वह नहीं बोलते। आम हूँ तो किसानों के बहुत व्डे नेता दे जां किसानां दी पार्टी के रूप च अपने आप नूं उह पेश करते हैं। चुपचाप जिहड़ियां रसायणिक खादा ने केंद्र ने 10 रुपए किलो तो लैके 19 रुपए किलो तक उन्हां ते सबसिडी च कटौती करती, मतलब यूरिया महंगा होगा हुण, होर खादा महंगीआं होणगीआं, इहदे बारे कोई बोले नहीं क्योंकि इस तरीके नाल लपेट के जहर जिहड़ा है वह गुड़ दे विच लपेट के दिता है, जां कैप्सूल जिहड़ा है इन्ना रंग बिरंगा है बाहरों कि अंदरली दवाई का पता ही नहीं लगता। मतलब आम लोगों की गल छड्डो, अर्थशास्त्री आपका सिर फड़ी बैठे ने कि इस है की है, सानू समझ नहीं आ रही। विरोधी पार्टियां तो बाद की गल है ना, सो मैं एक्सपर्ट्स ने गल करके मेरे को सारा जिहड़ा मैं अज खाका तुहाडे कोल लैके आया। खास तौर पर पंजाब इस गलों खुशकिस्मत है, मैं कई डिबेट्स के भी एक गल कही है, बैठे ने साथी साढ़े जिहड़े वो डिबेट्स नूं एंकर करते हैं, तो कि पंजाब खुशकिस्मत है कि 6 साल तो पंजाब कोले फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री है सेंटर की, हरसिमरत कौर जी साढ़े फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर ने, बट एक सिंगल प्रोजैक्ट भी, एग्रेरियन स्टेट है पंजाब, एक सिंगल प्रोजैक्ट भी फूड प्रोसैसिंग न रिलेटड जो पंजाब आया हो तो वह दस दें। एक बठिंडे आया से NPA हो गया, होने वाला दिवाली अपना निकल गया वह, जे साडा टमाटर इत्थे प्रोसैस होवे प्रोजैक्ट लगन, प्रोसैस होकर साढ़े टमाटर के प्रोजैक्ट बन, प्रोडक्ट बन, तो सारी दुनिया जान साढ़े आलू दे, साड़ियां सब्जियां दे, साढ़े फ्रूटा दे। जिस वेले इन्हां ने ट्रैफिक नाल रिलेटड जुर्माने वधाउणे सी, चाहे वह रैड लाइट का, चाहे सीट बैल्ट नहीं लाई, चाहे ओवर स्पीडिंग का, उदों उन्होंने कहा जी अमरीका कनेडा जी देखो किन्ने जुर्माने ने, इस करके अमरीका कनेडा के हिसाब नाल ही जुर्माने ला रहे हैं। तो जदों हुण आ करोना महामारी करके लोगों के कारोबार ठप्प हो गए, दिहाड़ियाँ सब खत्म हो गई, तो अमरीका कनेडा तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर हर घर के हर अकाउंट के कैश पा रहा जी, जदों उदों गल करते हैं भी वह पा रहे हैं, उदों कहते हैं डिवेलप कंट्री ने जी। पंजाब स्टेट कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने दस्सिया कि बस सेवा सूबे में शुरू हो गई है जिस तहत सैनीटाइजर बसों के मुहैया करवाया जाएगा, सवारियों लिए मास्क पाना लाजमी होगा, बस में भी सैनीटाइजर रखने दी हदायत जारी की गई ने, तो बस एक जगह तो चल के अपने आखिरी अड्डे के उपर जाके खड़ेगी, रस्ते में कितों भी सवारी नहीं चुकी जाएगी। पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन हैज डिसाइडेड टू अप्लाई बसेस इन द स्टेट। बसेस विल रन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल डेस्टिनेशन एंड विल नॉट स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन टू पिक अप पैसेंजर्स।
Passengers will have to book their tickets in advance at the bus stand through the conductors or through the advance booking agents. Buses will carry passengers only up to half the carrying capacity of the buses. Wearing of masks and maintaining social distancing by all the passengers and staff will be mandatory. Buses will be sanitized before starting off the journey and hand sanitizers will be made available in all the buses. Interstate bus service will remain suspended up till 31st May. Punjab government has decided to extend the deadline to pay the outstanding house tax and property tax without any penalty till 30th June. Likewise, the time limit of one-time settlement policy for recovery of arrears of water and sewerage charges in the urban local bodies of the state has also been extended up to 30th June. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सिर्फ प्रभावित इलाकों को छोड़ के बाकी सारे खेतरां दे विच समाजिक अते इंडस्ट्रियल गतिविधियां चल सकदियां ने पर इस दे लई हदायतां दी पालना करनी जरूरी होवेगी सोशल डिस्टेंस बनाया जावे अते लोक मास्क भी जरूर पहनन एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार जो लॉकडाउन 3 की जितनी छूट थी उसमें कुछ क्षेत्रों के अंदर ये छूट और बढ़ाई गई है विशेष तौर पर अब कंटेनमेंट जोन वहीं तक प्रतिबंध जारी रहेंगे जो कंटेनमेंट जोन से अतिरिक्त क्षेत्र है उस सारे को ऑरेंज जोन मान करके और गतिविधियां वो सब चलाई जाएंगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विशेष तौर पर चाहे वो प्रदेश के अंदर की बस व्यवस्था अथवा प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों के साथ जो हमारे रूट्स हैं उनके ऊपर बसें ये शुरू हो जाएंगी आज हमने पावर डिपार्टमेंट को लेकर के भी एक रिव्यू मीटिंग की है और उसमें आगे चूँकि गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो गर्मियों के दिनों में पावर की बिजली की उपलब्धता ये पूरी रहे इस पर पूरा विचार हुआ है इसी संदर्भ में जो ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का काम ये हमने शुरू कर दिया है लगभग 1000 ट्यूबवेल कनेक्शन जो 5-स्टार मोटर्स के लगने थे वो लगाए जा चुके हैं और आने वाले जून 30 तारीख तक शेष 4000 ट्यूबवेल वो भी लगाए जाएंगे इसके बाद नए 5-स्टार की जो मोटर्स हैं वो उपलब्ध होने पर ही इसके बाद ट्यूबवेल्स ये सब लगाए जाएंगे जहाँ तक कुछ शिकायतें हमको बिजली के बिलों की ये मिली हैं घरेलू बिजली के बिल डिपार्टमेंट्स ने एवरेज बेसिस पर कुछ स्थानों पर जो कुछ त्रुटियां मिली हैं उसको भी विभाग को ध्यान करा दिया गया है कि ऐसी त्रुटियों को जल्दी से ठीक किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर 1912 अर्थात 1912 ये एक हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर फ़ोन करके और वो त्रुटियाँ ठीक कराई जा सकती हैं यदि किसी ने गलती से अपना बढ़ा हुआ बिल भर दिया है तो अगले बिलों में उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी चिंता वो लोग न करें जाने जाते नजर मार लेंगे हेडलाइंस से भाजपा ने घेरी कैप्टन सरकार अते कांग्रेस पार्टी मंगिया राहत पैकेज कोरोना उपर सियासत करने लगाए दोष पंजाब के इंडस्ट्री मिनिस्टर का दावा हदायतों की पालना करने वाले सारे कारखाने चलाने दिते हैं हुक्म पंजाब च जल्दी आवेगा निवेश आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने अकाली दल उत्ते किसानी मसलों तो भजन के लगाए दोष कहा हरसिमरत बादल फूड प्रोसैसिंग मंत्री पंजाब च नहीं लियाई एक भी कारखाना सो फिलहाल दे लई इंडिया बुलेटिन दे विच इन्ना ही देश दुनिया दीआं ताज़ा तरीन खबरां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्रामां दे लई बने रहो पंजाब स्टार टीवी दे नाल धन्नवाद